Hello students, today we will study maths of standard 6, lesson number 1, knowing prime numbers. First और second lecture में हमने start किया था, first में introduction study किया था, then second lecture में हमने exercise 1.1 किया था. Now, we are doing exercise 1.2. Exercise 1.2 में, first question में addition करना है, जो आप लोग standard 4th, standard 5th में already कर चुके हो. तो क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर्स ऐड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्शन करना है एंड क्वेश्चन नंबर 3 में भी सब्ट्रैक्शन करना है. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून एंड बुक्स वर्थ रुपीज 4,768 इन द सेकेंड वीक of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? तो यहाँ हमको इस question में together, it means हमको ये दोनों amount जो है उसको addition करना है, plus करना है. तो यहाँ पर हमने plus किया है 8 + 1 = 9, 9 + 6 = 15, 1 carry 8 + 7 = 15 + 1 = 16, 1 and 1 carry 5 + 1 = 6 and 8 4 + 2 = 6. अब यहाँ पर देखकर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच. ग्रेटर यहाँ पे क्वेश्चन में है ग्रेटर, तो अमाउंट देखकर हमको पता चल रहा है कि ये वाला नंबर ग्रेटर है, सो सेकेंड वीक में हमको ग्रेटर सेल हुई है बुक्स. हाउ मच इट मीन्स हमको यहाँ से बड़े अमाउंट में से स्मॉल अमाउंट को माइनस करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. तो ये होगा 4,768. नेक्स्ट अमाउंट है 2,85,891. ये अमाउंट हमको करना है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर दिख रहा है कि हमको यहाँ पर बोरो मेथड से सब्ट्रैक्शन करना होगा. तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर है सो ये 8 - 1 तो इजीली हो जाएगा, 7 कर देंगे. लेकिन यहाँ पर 6 - 9 करना है तो हमको यहाँ बोरो लेना पड़ेगा. तो ये बोरो हम लेंगे इसके पास से, तो ये 7 की जगह 6 होगा और ये होगा 16. देन यहाँ पर हमने 6 किया है, यहाँ पर ग्रेटर नंबर है 8, अगेन हमको यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, ये होगा 10 और ये इसको एक बोरो देने से 9 हो जाएगा. अब यहाँ पर 10 कैसे हुआ, इसके पास से लिया, ये इसने इसको 1 बोरो दिया है तो ये फिर से होगा 9. यहाँ पर 1 कहाँ से आया, ये 1 इसने 4 के पास से बोरो किया है तो ये हो जाएगा 3. अब हम इजीली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 16 - 9 करना है हमको तो ये हो जाएगा 7. यहाँ पर भी फिर से 16 हम हो जाएगा, यहाँ से एक बोरो किया था हमने इसलिए 16 - 8 = 8, 9 - 5 = 4, 9 - 8 = 1 and 3 - 2 = 1. तो आंसर हमारा हुआ 1,14,877 रुपीज. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट साउंड हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. टिल देन थैंक यू.